कुछ हया होनी चाहिए, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। सिंध का गवर्नेंस सिस्टम किधर है, हुकूमत किधर है? सारे उठ के दुबई चले गए। शाही खानदान जो यहाँ जरदारी खानदान है वो सारा दुबई पहुंच गया। सियालकोट का दरबारी जो है, शर्म करो, हया करो और रिजाइन करो अगर शर्म और हया है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत है या साजिश के साथ, मैं हूं सलमान हैदर। इस वक्त नाज़रीन हम दो दिन से स्टूडियो में प्रोग्राम तो कर रहे हैं, वफाक़ी जानिब से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले और सूबे की जानिब से भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास स्टूडियो के अंदर आए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ये जो मुसीबत आन पड़ी है इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। इस वक्त जिना अस्पताल के बाहर, एमरजेंसी गेट के बाहर इस वक्त आर्मी का कैंप इधर लगा हुआ है, इसी तरह दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी अपने कैंप यहाँ लगाए हुए हैं। ये तमाम कैंप्स तो शायद मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड नहीं है, लेकिन आर्मी का जो हमने कैंप देखा है वो मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड नज़र आया। पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स, तमाम के तमाम इधर मौजूद हैं। आज जिना अस्पताल से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कराची की आवाम को जो ये 1000 अफराद की सूरत में गम मिला है, इस गम का आखिर मदावा क्या हो सकता है? शायद इन अफराद का दुनिया से चले जाना उनके लवाइकीन के ऊपर तो बहुत भारी हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ये तो तय है किसी ना किसी इदारे को लेनी है। लेकिन पिछले 2 से 3 रोज़ में हम ये देख रहे हैं कि अभी तक किसी इदारे ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली। कहा यह जा रहा है कि तैयारियाँ मुकम्मल थीं। अगर सूबे की तरफ से बात की जाए तो सूबे वाले कहते हैं कि लोड शेडिंग हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी विफाक की जानिब आती है, के इलेक्ट्रिक में डाल दिया जाता है, और अभी तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी किसी किस्म का कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। जबकि विफाक का यह कहना है कि ये तमाम तर जिम्मेदारी सूबे की है, बल्कि 650 मेगावाट हम देते हैं नेशनल ग्रिड से, इसलिए सूबे का ये काम बनता है कि इसको मैनेज सही तरीके से किया जाए। बात अगर बिजली के मामले से हट कर ली जाए तो है स्ट्रोक, गर्मी की तमाजत, जिसके लिए करीबन 1000 अफराद ने अपनी ज़िंदगी देना बेहतर समझा। लेकिन क्या ये 1000 अफराद जो दुनिया से चले गए इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद था या कोई सबक दे के गए, यही जानने के लिए इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जिना हॉस्पिटल में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई और साथ साथ यहाँ की एमरजेंसीज़ के अंदर कितने अफराद लाए गए और स्पेशली मुर्दा खाने के अंदर कितने अफराद मौजूद हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिनको जानने के लिए और स्पेशली आपको किसी फैसले तक पहुँचाने के लिए हम आज जिना अस्पताल में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीमी जमाली साहब, जिना अस्पताल की रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे कौन वाकिफ नहीं है, बल्कि इनके जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा काउंट करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेरे किसी तबसरे के। सीमी जमाली साहब बहुत शुक्रिया, यकीनन हमेशा की तरह एक और इम्तिहान का वक्त आपके ऊपर है। सबसे पहले ये बता दें कि आपके मुर्दा खाने में कितने अफराद हैं? अच्छा जी, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये सरकारी अस्पताल है लेकिन इसमें कोई ऐसी मॉर्चरी नहीं है। दिस इज़ अ हॉस्पिटल बट इट डजेंट हैव अ मॉर्चरी। हमारे पास जो मॉर्चरी है जो कि सिंध मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, उसमें सिर्फ पोस्टमार्टम्स हो सकते हैं और वहाँ पे ऑटोप्सीज के लिए लोग लाए जाते हैं और उसके बाद वहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं बॉडीज़ आइदर टू देयर होम्स और टू द फॉर बेरियल या फिर ईदी सेंटर पे उनकी मॉर्चरी में चले जाते हैं। वजीर, इस मामले को क्विक कर लेते हैं, डेली बेसिस पे कितने मरीज लाए जा रहे हैं, कितनी डेड बॉडीज आपके पास आ रही हैं? अच्छा, हमारे पास इस वक्त तक पेशेंट्स जो आते हैं कैजुअल्टी के अंदर आमतौर पे 1100 से 1200 पेशेंट्स रोजाना लाए जा रहे थे, इस वक्त तकरीबन 2000 के रेशियो के पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। एंड 4 दिनों में पिछले हमने तकरीबन 7.5 से 8 हज़ार मरीज देखे। अब आप सोच सकते हैं कि अस्पताल की हालत कैसी होगी, इट्स ओवरवेल्म्ड फुल टू द कैपेसिटी, वार्ड्स के अंदर इतने पेशेंट्स हैं कि जगह नहीं है रखने की, कैजुअल्टी के सारे स्ट्रेचर्स आउट नंबर हो गए हैं। 250 स्ट्रेचर्स थे हमारे पास, आप सोचें वो 250 स्ट्रेचर्स क्या काम कर सकते हैं। जगह कैजुअल्टी में 100 से 150 मरीज हम एक वक्त में रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी पेशेंट्स जो हैं कैजुअल्टी के अंदर इट्स अ हाउस फुल। हम भी देख रहे हैं कि रिसेप्शन तक पे इस वक्त बेड्स लगे हुए हैं, लोग उधर तीमारदारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो बाहर भी हैं जिन्हें पानी की बोतलें और शायद उधर ही फर्स्ट एड दी जा रही है। बीइंग अ डॉक्टर, क्या आप ये जज कर सकती हैं कि ये अफराद सिर्फ सनस्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल तक पहुंचे हैं या कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो घरों के अंदर थे, शायद लोड शेडिंग जो 18 से 20 घंटे या 15 घंटे की हो रही है, आप लोग ये बाइफिकेशन कर सकते हैं?
मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें जो ब्रॉट इन डेड आए थे, और तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग हैं जो ब्रॉट इन डेड थे। उसके बाद पेशेंट्स बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हस्पताल में लाए गए, और जो पेशेंट्स क्रिटिकल हालत में आए थे उनको हम इरिवर्सिबल हालत में थे, तो कोलैप्स थे बिल्कुल, और CPR करने के बावजूद कोई रिवाइव नहीं कर सके। इनमें वो लोग भी थे जो कि बहुत बीमार थे, डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव, घरों के अंदर मौजूद थे, घरों के अंदर जिनको डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंसिव थे, उस तरह के लोग भी हमारे पास फौत होकर आए हैं। तो अब ये सिलसिला जो है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर सिचुएशन जो कराची में हुई है। एक तो हमारे लोग यूज्ड टू नहीं है इस वेदर सिचुएशन की, इतनी गर्मी कराची में कभी पड़ी नहीं पिछले कई सालों से हम भी काम करें यहाँ पे, एक दफ़ा सिर्फ हुआ था, और उस वक्त भी इतनी अमवात नहीं हुई थी, इतनी कीमती जानों का ज़ियाँ हो रहा है, लोगों के प्यारे। आप सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की इंटीमेशन थी कि मौसम सख्त होने जा रहा है और किसी एमरजेंसी के लिए रेडी रहें, क्या इस तरह की कोई इंटीमेशन थी? इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एज फार एज आई नो मेट ऑफिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और मेट ऑफिस अगर ये इन्फॉर्मेशन देता हमें तो फिर कम अज़ कम लोग कुछ प्रिपेयर्ड हो सकते थे, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं। और दूसरी बात ये कि इतनी स्वेल्टरिंग हीट में इतनी लोड शेडिंग हुई है कराची के अंदर कि लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हैं, और इस वक्त बहुत ही एंक्शस कंडीशन में हस्पताल में लाए गए हैं। कराची की आवाम को हमेशा की तरह हमने एक बार फिर जागे हुए देखा, लोग अपनी मदद आपके तहत भी आपके पास कुछ डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बाहर कैंप तो लगे हुए देखे हैं। हमारे पास इस कदर, मैं कहती हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहिए इस शहर के वासियों को, उन्होंने इस कदर फीस सबीलिल्लाह डोनेशन दिया है, जिस शख्स का जिस चीज़ पे बस चला है उन्होंने वो चीज़ कंट्रीब्यूट किया है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटियर सर्विस किया हो, चाहे पैसे दिए हों, चाहे किसी स्ट्रेचर्स दिए हों, चाहे चिलर्स प्रोवाइड किए हों, चाहे और जो चिलर्स, जैसे हमने चिलर्स अभी अपने कैंप में लगाए हैं, तो उन्होंने उसमें भी हमें इतना डिस्काउंटेड रेट पे दिया है कि वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग। अच्छा, लोग जागे हुए नज़र आए, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कराची की आवाम के साथ साथ जो सिंध गवर्नमेंट है उसने रियासत माँ के जैसी होनी चाहिए, उसने क्या माँ का किरदार अदा किया? इतना बड़ा मामला हो गया, 800 से हज़ार अफराद डेथ टोल बताया जा रहा है अब तक इस गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से जहाँ भाग हुए, उन्होंने कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस किया हो, या आपको कोई स्पेशल कॉल आई हो, या आपको ऐसा लगा हो कि वाकई रियासत इधर मौजूद है? देखिए, हमारे जो मिनिस्टर साहब थे वो तशरीफ लाए थे हॉस्पिटल के अंदर। क्या नाम उनका? जाम मेहताब डहर साहब। और एक हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, और वो मरीजों को देखकर गए, और फिगर्स हम उनको बतदरीज बताते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खुद तो नहीं आए? नहीं जी, चीफ मिनिस्टर नहीं आए, लेकिन उनकी पूरी एडवाइजरी। अच्छा, एडवाइजरी थी, किसी किस्म के कोई पैकेज का ऐलान किया कि इधर मरीजों के लिए खास? एक तो आप तो अपनी कैपेसिटी में ख्याल रखती हैं, कभी भी सिंध को या कराची में कोई ऐसा मामला हो आप हमेशा फ्रंट फुट पे नजर आती हैं, आपको सिंध हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह अहकाम हुए कि जिस तरह आमतौर पर ऐलान कर दिया जाता है कि इसकी तमाम जिम्मेदारी, इस इलाज की तमाम जिम्मेदारी सरकारी खर्चे पर होगी, या इन लोगों को स्पेशली जो अफराद मर चुके हैं उनके कफनाने दफनाने के लिए भी एक खास खर्चे की जरूरत है, कई सिलसिले में कोई आपको लगा कि कोई वाज़ेह अहकाम किए हों? जी, वो अपने आई डोंट नो चीफ मिनिस्टर हाउस से शायद कोई ऐलान हो ज़रूर उन लोगों के लिए भी, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात हुई। उन लोगों ने बहरहाल हमें ताकीद की है कि हम मरीजों का ख्याल रखें, जो कि हम ऑलरेडी रख रहे हैं। मैं आपको एक और बात भी की आगाही देना चाहती हूँ कि पाक फ़ौज का कैंप हमारे पास लगा हुआ है, जिससे एक तो हमारे लिए बड़ी सिक्योरिटी हो गई है, और दूसरा ये कि पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो हमारे साथ शाना बशाना सारी रात खड़े रहें और सारा दिन भी लगे रहें। दूसरा कि हमारा स्टाफ जो है, जिना हस्पताल का स्टाफ जैसा स्टाफ आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा, ये पूरे पाकिस्तान में, दिस इज अ मिनी पाकिस्तान। आप भी गालबन काफी दिनों से इस वक्त हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, मैं तो हूँ, लेकिन हमारी नर्सेस, क्या मेरी हेड नर्स खड़ी हुई है सारी रात की, उठी हुई है, मुंह पे उफ का लफ्ज लेकर आई, खड़े हुए हैं सारी रात एक पैर पे, सारा स्टाफ खड़ा है, सारा अमला खड़ा हुआ है, नर्सेस, क्या डॉक्टर्स, क्या पैरामेडिकल स्टाफ, क्या वार्ड बॉयज, क्या चौकीदार, क्या जेनेटर्स, मैं कहती हूँ शाबाश उन पर और आफरीन उस पर। इसके अलावा जो हमारी मदद हमारे दोस्त अहबाबों ने की, और जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया यहाँ पे, आई थिंक इसकी मिसाल तो दुनिया में ही कहीं नहीं मिली। जी सर, हमने पाक आर्मी का बाहर कैंप देखा, वेल इक्विप्ड कैंप है, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, स्पेशली पानी की बोतलें और दूसरी चीज़ें जो हाइड्रेशन से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उधर मौजूद होती हैं। ये जानना चाहेंगे क्या पाक आर्मी को हुकूमत की तरफ से या आपकी तरफ से खुद दावत दी गई कि अपनी मर्जी से आई? पाक आर्मी ने मेरे साथ रابطہ किया था, और उन्होंने कहा था कि हम एक कैंप लगाना चाहते हैं। मैंने
बहुत वार्मली इस बात को एक्नॉलेज किया कि वो आए यहाँ पर और उन्होंने लगाया, और हमारे पास जितनी उनकी एक्चुअली उनके अंदर इंस्टीट्यूशन बड़ा मजबूत है, और इंस्टीट्यूशन जब मजबूत होता है तो उनकी जो जैसे डिसबर्समेंट ऑफ वाटर बॉटल्स है उसमें भी एक चैन अमन से हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जब लोग करते हैं, जैसे आपने कैजुअल्टी के बाहर देखा होगा कि कैंप्स लगे हुए, उसमें ऐसी अफरा तफरी पड़ गई कि लोग एक दूसरे से मारकुटाई करने लग गए पानी लेने पर ही। तो जो अंदर पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं, हमारा स्टाफ उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको सबको प्रोवाइड की जा रही है वाटर बॉटल्स। ये सब जो हमारी कॉम के लोग हैं उन्होंने दिया है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इतना मजबूत है कि उन्होंने दे हैव रिकग्नाइज दैट There is a problem and they have come to arrest. सीमी साहब, इधर प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद सीमी साहब से हम बात करेंगे और उनसे ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि हमें उन वार्ड्स के अंदर लेके जाया जाए जहां स्पेशली डिहाइड्रेशन या लोड शेडिंग के सताए हुए वो अफराद जिनसे गर्मी की तमाजत बर्दाश्त नहीं हो रही, वो किस हाल में इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद है और हुकूमती अमलदारी को उन्होंने कैसे देखा, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, कराची के जिन्ना अस्पताल के इस वक्त एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हूँ। डॉक्टर सीमी जमाली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आज भी पेशेंट्स बहुत बड़ी तादाद में इधर आ रहे हैं। अगर किसी को ये गुमान है कि शायद गर्मी की तमाजत ख़त्म हो गई है, नहीं, इस अस्पताल के अंदर आके देखें, यहाँ मामला कुछ और है। इस वक्त भी लोग गर्मी के सताए हुए इस एमरजेंसी वार्ड के अंदर भी मौजूद हैं और बाहर, यहाँ तक के रिसेप्शन के अंदर भी, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट का कुछ फुकदान नज़र आ रहा है। सीमी जमाली साहब का भी ये कहना था कि लोग लड़ रहे हैं, स्पेशली लवाइकीन आपस में लड़ रहे हैं, शायद नुकसान जो उनका इतना बड़ा हुआ है। अस्पताल में हम मरीजों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, आप भी गर्मी के सताए हुए? अच्छा बाबा जी, ये पूछना चाहेंगे, आप जिन्ना अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, क्या आपको हुकूमत की जानिब से, स्पेशली MQM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सूबा सिंध के अंदर हुकूमत रखती है, उनकी जानिब से कोई अहलकार, कोई मिनिस्टर, कोई आला अफसर कोई मिलने आया? तो कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई नहीं आया। अच्छा, आपकी ये तबीयत ख़राब हुई घर में रहने की वजह से कि खुले आसमान के नीचे थे आप? क्यों नहीं, घर में थे। घर में लोड शेडिंग बहुत थी? हाँ जी, लोड शेडिंग की वजह से। तो अब आपकी तबीयत बतदरीज बेहतर होती जा रही है? थोड़ी बेहतर है। अच्छा, इस मौके पर हुकूमती अहमानों के लिए कोई मैसेज देंगे, क्या ये कुदरती आफत थी या ये कुदरती तौर पर हुआ कि इसमें हुकूमत भी कोई किरदार अदा कर सकती थी? लोड शेडिंग ना हो तो शायद बेहतर हो जाए। लाइट बहुत जा रही है, 24 घंटे नहीं है, तार टूटे हुए, जनरेटर कितनी देर चलेगा? बहुत शुक्रिया जी। आप ये बताएं, आपका ताल्लुक कराची से ही है? कराची में किस जगह से आए आप? यहाँ से पीछे बजटा लाइन से, ये पीछे है ना, सामने से इधर से आए। सदर में गया था, वहाँ पे चक्कर घूम गया, बस अचानक बुखार आ गया, वहीं पे गिर गया। आज तीसरा दिन ये थैलियाँ लगवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। आज फिर से आया हूँ, बाहर चक्कर आया मथे में सर पे, फिर गिर गया हूँ नीचे। तबीयत में कुछ बेहतरी है? नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, बस खाली सांस की तकलीफ आ रही है, बस ये दर्द भी हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है। अच्छा, आप 3 दिन से इधर ही हो? 3 दिन से आ रहा हूँ, बस चक्कर लगा के फिर वेकेशन लगा के फिर बोले जाओ तुम, सही है तुम। अच्छा, वफाक की जानिब से या सूबे की जानिब से पीपल्स पार्टी का कोई अहदेदार, MQM का कोई अहदेदार, ANP का कोई अहदेदार, कोई आया आपका हाल पूछने, तबीयत पूछने? पीपल्स पार्टी आ रही है, सामने बैठे अपने रिश्तेदार हैं, कोई भी नहीं आया अभी तक, नहीं है। बाकी कारकुनान के लिए बोलते हैं जल्दी आ जाओ, चल रहे हैं, जलसा निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं? हुआ था अभी, उधर पानी खाली डाला हुआ है सर पे, इसको बोला लेके जा, जल्दी कर, जल्दी कर, इसको बेड पे, इमरजेंसी में ये मर जाएगा। बस इधर छोड़ा और चले गए? बस ये छोड़ के चले गए आराम से, उधर बैठे हुए, और खुद बड़े भी अभी उठ के चले गए, अभी लड़के बैठे हुए। किसी को देखा सुबह से, किसी MPA MNA को किसी को देखा? हाँ, वो MP ले हमारा आया था ना बड़ा, वो चला गया अभी। क्या नाम था उसका? नाम नहीं था, बस
नाजरीन आम आवाम तो आम आवाम पीपल्स पार्टी के कारकुन भी इस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि हमें बिल्कुल भी किसी ने नहीं पूछा, आए चक्कर ज़रूर लगाया और दोबारा पलट कर नहीं देखा कि उनके कारकुन की हालत कैसी है, लेकिन अगर जलसे जलूस में लेके जाना हो तो सबसे पहले आगे होते हैं और बसों के अंदर डाल दिया जाता है। मुख्तलिफ और मरीजों से भी बात करेंगे जो इस अस्पताल के अंदर दाखिल हैं और फिर मकसद एक ही है कि ये जान सकें कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल तक तो कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी ले नहीं रहा, लेकिन ये करीबन 1000 अफराद की ज़िंदगी का मामला है और इन 1000 अफराद की ज़िंदगी चली गई, किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी है। जिन्ना अस्पताल में इस वक्त हम ख्वातीन के वार्ड के अंदर मौजूद हैं, जहाँ शायद ये गुमान किया जा रहा हो कि मर्दाना वार्ड के अंदर वो तमाम अफराद मौजूद थे जो सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से ही आज अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन ये तो ख्वातीन हैं जिनका ज़्यादातर काम तो घर के अंदर रहना है। उनका पेशेंट यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या हालत थी, ये जानने के लिए उन्हीं के ही एक अटेंडेंट से बात कर लेते हैं। जी, आपका ये पेशेंट है, इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है जी, क्या घर के अंदर मौजूद थी? घर के अंदर थी, उसी की वजह से इनको फौरी तौर पर लेकर आए हैं हम लोग। अच्छा, आपके घर में लाइट आ रही थी? नहीं, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और वोल्टेज प्रॉब्लम भी चल रहा है, उसकी वजह से इनकी इतनी हालत ख़राब हुई है। कराची में किस इलाके से आई हैं आप? जी, हम लोग मलीर से आए हैं, जिरा स्क्वायर से। वहाँ कितने घंटे के लिए लाइट जा रही है? वहाँ तकरीबन ढाई घंटे डेली जा रही है, ढाई घंटे और मतलब रेगुलर 3-4 घंटे के बाद ढाई घंटे जाती है लाइट। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिर्फ कुदरती आफत है, गर्मी की तमाजत है कि नहीं, हुकूमत की अमलदारी भी होनी चाहिए थी कहीं? और जाहिर सी बात है हमारे अजाब का भी सिलसिला है। कोई हुकूमती रहनुमा, कोई कारकुन, कोई सियासी रहनुमा या हुकूमत का कोई रिप्रेजेंटेटिव देखा आपने? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई नहीं देखा यहाँ पर कि कोई आया हो। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये कि वो अकेली हैं, उनके पास कोई भी नहीं है, उनको कोई भी नहीं देख रहा। आप आए तो उनके ऊपर चादर डाल दी गई है बस। अच्छा, ये बताइएगा आप हुकूमत से क्या डिमांड कर रही हैं इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि कमोबेश तमाम बेडों के अंदर एक ही किस्म का मर्ज लाहक है, सब लोग हीट स्ट्रोक है या लोड शेडिंग के सताए हुए गर्मी की तमाजत के अंदर झुलसे हुए लोग। आप ऐसी के लिए अगर लोग वो लोड शेडिंग कम कर दें तो मेरे ख्याल से काफ़ी कवर हो जाएगा। सबसे मेन प्रॉब्लम लोड शेडिंग है, अगर वो सही हो जाएगा तो लाजमी बात है काफ़ी कवर होगा उससे भी। क्या इतनी गर्मी आपने इससे कबल कभी देखी? नहीं, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई है। आपकी लाइफ जी? ये खातून जिनका ये कहना है कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है हमने इतनी लोड शेडिंग और इतनी गर्मी कराची शहर के अंदर कभी नहीं देखी। एक और मरीज के पास जाते हैं, ये माजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी, गर्मी लग गई? गर्मी लग गई? गर्मी की वजह से बेहोश हो गई? घर में लाइट नहीं आ रही थी? अच्छा, ये आपकी वालदा है? जी, मेरी वालदा है। अच्छा, आपके आप किस इलाके से आई हैं और कितने दिनों से लाइट नहीं आ रही? लोग सराबगढ़ से आए हैं, हलासिफ से। कितने दिन हो गए वहाँ लाइट नहीं आ रही? वहाँ पे 7 दिन हो गए लाइट बिल्कुल भी नहीं है। अभी रात आई थी, अभी ये भी नहीं पता हम लोग सुबह से घर पे से यहाँ से निकले हुए हैं तो अभी है या नहीं है। वजह क्या बताते हैं, क्यों इतनी लोड शेडिंग हुई? पता नहीं, वहाँ पे ऐसे ही जाती है, ना पानी मिलता है ना बर्फ मिलती है, ठंडा पानी पीने को भी नहीं मिलता वहाँ पे, तो इतनी लाइट की बहुत ज्यादा। अच्छा, बिजली नहीं है तो साथ पानी भी नहीं है? लाइट होगी तो पानी आएगा, तो मोटर चलेगी। हाँ, पानी तो भी रहेगा, बर्फ भी नहीं मिलती वहाँ पे, तो इतना बुरा हाल है। जी हाँ, यहाँ ख्वातीन के वार्ड में आए तो पता चला कि ये वो ख्वातीन हैं जो शायद घर गृहस्थी संभालती है और उनका ये कहना है कि जब 7-7 दिन तक कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं मौजूद, जब बिजली मौजूद नहीं तो मोटर कैसे चलेगी, जब मोटर नहीं होगी तो पानी भी नहीं दस्तयाब होगा। और यही वजह है कि इन दो कमियों की वजह से, क्योंकि बिजली और पानी दोनों आपस में इंटरलिंक है, ये लोग अस्पताल तक पहुंचे हैं। ख्वातीन के वार्ड से हमें ये पता चला कि यहाँ भी वही हाल है, हुकूमत का कोई रिप्रेजेंटेटिव इधर मौजूद नहीं है। हाँ, अगर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे तो कल हमें नेशनल असेंबली के बाहर ज़रूर नज़र आए, जब शायद गायबाने नमाज जनाजा अदा करनी थी, वो भी मीडिया के सामने। आज भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया गया है सिंध असेंबली के बाहर, जहाँ वज़ीर आला काइम अली शाह साहब की जानिब से एक एहतजाजी धरने का अहतमाम किया गया है। वज़ीर आला काइम अली शाह साहब खुद जो सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि वो ये तमाम जिम्मेदारी वफाक के ऊपर डालते हैं और इस सिलसिले में अपना एहतजाज आज असेंबली के बाहर अदा करेंगे। जी हाँ, रिकॉर्ड कराया जाएगा।
नाज़रीन हमने सिविल अस्पताल जिना अस्पताल का दौरा किया, वहाँ अक्सर लोगों से मिले, मरीजों का यह कहना था कि बेशतर मरीज इस वजह से इस अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं कि वहाँ डिहाइड्रेशन के साथ साथ लोड शेडिंग के मसाइल भी हैं। स्पेशली ख़वातीन की जो बहुत बड़ी तादाद थी, उनका यह कहना था कि घर में 14-14 से 15-15 घंटे लाइट नहीं आ रही, और कराची के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 6 से 7 रोज़ से बिजली नहीं आ रही। जब विभाग से कहा जाए कि बिजली का बंदोबस्त करने के लिए कुछ किया जाए, तो वो कहते हैं कि 650 मेगावाट ऑलरेडी सूबे को, यानी के इलेक्ट्रिक को हम दे रहे हैं, ये बेसिकली सूबे की जिम्मेदारी है, जबकि सूबे ये कह रहे हैं कि ये विफाक की जिम्मेदारी है, हमारी जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान अहमद फराज साहब के पास, और उनसे जानते हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, जिम्मेदार का तयन कर दें, क्या आप विफाक को जवाब दे हैं, सूबे को जवाब दे हैं, या सिर्फ और सिर्फ सोलो फ्लाइट है आपकी? हम अपने 25 लाख कंज्यूमर को जवाब दें। यहाँ पे 25 लाख सार्फिन की खिदमत के लिए लोग मौजूद हैं और हम कर रहे हैं। कराची की सिर्फ बिजली की सूरत हाल अगर आप देख लें तो के इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची को बिजली फराहम नहीं कर रहा, बल्कि घरों से लेकर कराची और उसके बाद उत्थल बेला विंदर और जो बलूचिस्तान का इंडस्ट्रियल जोन है हब, उसको भी के इलेक्ट्रिक ही बिजली फराहम करता है। फराज, ये कैसी कैसी जिम्मेदारी है कि लोग जिनमें औरतों की बहुत बड़ी तादाद जो घर के अंदर महसूर हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कीजिए कि सूरज की तमाजा तो इतनी है कि लोगों के अंदर स्ट्रोक हो गई, 800 अफराद भी दुनिया से चले गए, औरतों का क्या कहेंगे, कैसी खिदमत है कि इलेक्ट्रिक की जाने? एक बात याद रखिएगा कि सिस्टम कभी भी 100% ओके नहीं होता। आपका सिस्टम कितने परसेंट ओके है? अफसोस इस बात का होता है कि अगर सिस्टम 97% या 98% ओके है तो उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हाँ, 2% जो पॉकेट्स अफेक्टेड है, जैसे फेडरल एरिया का कुछ पार्ट अगर अफेक्टेड है, गुलशन का कुछ पार्ट अगर अफेक्टेड है, औरंगी में कुछ पार्ट अगर अफेक्टेड है, कोरंगी में कुछ पार्ट अगर अफेक्टेड है, अगर डिफेंस के किसी एक फेस में लाइट नहीं आ रही, अगर किसी मलीर के किसी दो गलियों में लाइट नहीं आ रही, उसको हाईलाइट किया जाएगा। वहां के लोग अगर रोड पर आगे प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाएगा कि जी देखें ये शहरी रोड पर आ गए हैं। उनके लाइट किसी के पास भी ना हो, ये दुख की बात होती है, लाइट किसी के पास भी ना हो अफसोस होता है। लेकिन क्या के इलेक्ट्रिक का अमला काम नहीं कर रहा होता? अगर उन गाड़ियों को जो रोड पर मौजूद है आप जलाएंगे, उस पे जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं आप उनको मारेंगे, उनसे गलत जबान इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या समझते हैं वो वहां मौजूद है? यानी आपको काम करने से भी रोका जा रहा है? बहुत सारी जगहों पे, नॉर्थ नाजाबाद पे काम करने से रोका गया, मद्दी सेंट्रल फेडरल एरिया पे काम करने से रोका गया, ब्लॉक 6 TCHS पे काम करने से रोका गया। मॉब्स आए हैं, मुश्तकिल शहरी आए हैं, ऑब्वियसली उनकी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अगर वो कंप्लेंट सेंटर 2 घंटे बंद रहेगा या 4 घंटे बंद रहेगा, जो कंप्लेंट्स रिजॉल्व आउट नहीं होंगी इस 4 घंटे में, उस पे आप पीछे देखें ना कि कितना उसका लॉग आ जाएगा और हमें उनको रिजॉल्व आउट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। आज की तारीख में के इलेक्ट्रिक किस हद तक इक्विप्ड है, 100% में से कितने परसेंट दे रहा है? देखें, हम अपने हमारी जितना भी सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल सिस्टम है, ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे सिस्टम में कोई खराबी मौजूद हो। ओवरलोडिंग कुछ जगहों पे होती है, बिल्कुल होती है। किस किस्म की ओवरलोडिंग, किस किस्म की ओवरलोडिंग है? देखिए, ओवरलोडिंग की दो या तीन किस्म होती है कि अगर एक जगह पे बिजली की गुंजाइश एक BMT पे 500 KVA की है और उस 500 KVA के बजाय उस पे लोड ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो ओवरलोडिंग के बाद ब्रेकर ट्रिप होगा। अब ये क्यों होता है? ज्यादातर कंप्लेंट्स हमें किन एरिया से आ रही है? हमें ज्यादातर कंप्लेंट उन एरिया से आ रही है कि जो हाई लॉस एरियाज हैं या वेरी हाई लॉस एरियाज हैं। क्यों आती हैं कि वहां पे कुंडा इन्फेस्टेड एरियाज हैं, वहां कुंडे लगे हुए होते हैं, लोग कुंडे लगाते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, PMT के ब्रेकर भी ट्रिप। थोड़े इलाके सही, मगर पूरे कराची में कुंडे लगे हुए हैं। हमने नाजमाबाद से भी देखा, सोहराबगोट से भी देखा, आसिफ स्क्वायर की भी एक खातून थी, बहुत बुरी हालत थी, अस्पताल के अंदर मौजूद थी, और उनका ये कहना था, गुलशन की भी थी, उन सबका यही कहना था, यहाँ सब कुंडा सिस्टम है। जितने एरियाज के आपने नाम लिए ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अपनी जबान से लिए, आसिफ स्क्वायर के लें, सोहराबगोट के लें, नाजमाबाद के लें, इनकी ज्यादातर टेरिटरीज वेरी हाई लॉसेज में आती है। इनकी ज्यादातर टेरिटरीज वेरी हाई लॉसेज में आती है। पहली रमजान से पहले तो नहीं था? बिल्कुल था इन जगहों पे, वहां भी पहली रमजान से पहले टेम्परेचर कितना था शहर का? क्या 15-15 घंटे की लोड शेडिंग पहले रमजान से पहले कर रहे थे? 15 घंटे की लोड शेडिंग कहीं नहीं हो रही आपकी इस बात की। कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ 7-7 रोज से बिजली नहीं आ रही। 7 रोज का इलाका अगर आप मुझे कोई बता दें तो मैं आपके साथ चलता हूँ। सोहराबगोट का इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, 7 रोज से वहाँ बिजली नहीं आ रही। आप मेरे साथ सीधा इस वक्त सिविल अस्पताल क्यों नहीं चलते? जहाँ आप मुझे देखिए, मेरा काम जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ,
ठीक है, मुझे सिविल अस्पताल के दौरे की जरूरत नहीं है, आप मौजूद हैं, आपने हाईलाइट किया है, अगर किसी ऐसे एरिया में कि जहां पे 7 रोज से बिजली नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे दीजिए, मैं रिजॉल्व आउट कराता हूं। अच्छा, शेड्यूल लोड शेडिंग कितनी दे रहे हैं इस वक्त की इलेक्ट्रिक? 7 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं, 24 घंटे में 7.5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कहीं भी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। ये आपका मानना? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जो परसेप्शन है वो बड़ा नेगेटिव क्रिएट किया जाता है। अगर किसी एरिया में ब्रेकर ट्रिप होने की वजह से, पीएमटी के खराब होने की वजह से, किसी तार टूटने की वजह से, किसी फनी खराबी की वजह से अगर उस एरिया में बिजली का ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग उसको लोड शेडिंग से तशबीह देते हैं, उसको भी लोड शेडिंग के जमरे के। अच्छा, आपका इक्विपमेंट फुली क्वालिफाइड है, क्वालिटी है, यानी कॉपर वायर ही इस्तेमाल हो रही है और इस तरह की कोई चीजें नहीं कि जो इतना लोड, जो इतना नहीं, मैं इंजीनियर नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ जो इतना लोड बर्दाश्त कर रही है कर लेगी, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। प्रॉब्लम सारा कहाँ पे आता है, देखिए, कॉपर नंबर वन है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्टेड, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद सिल्वर या एल्युमिनियम आता है, एक्सेप्टेड कि नंबर टू पे सिल्वर या एल्युमिनियम है। कॉपर पे बिजली का फ्लो 99.9% होता है, एक्सेप्टेड, इस पे कोई इंकार ही नहीं, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर कॉपर है। कॉपर की चोरी की वारदातें आपने शहर में देखी है? जी बिल्कुल। कितना कॉपर चोरी होता है? जी बिल्कुल। ठीक है, अब एक चीज जो सिस्टम पे लगी हुई है और उसको चोरी करने के लिए नीचे से रस्सी डाल के खींचा जाता है, कंडक्टर गिरा, कटर से काटा, काट के एक मिनट में कंडक्टर लेके चले गए। इसको रिजॉल्व आउट करने की कोई सिचुएशन आपके पास है? ईएचटी सूबा, सूबा सिंध गवर्नमेंट, वो आपको सिक्योरिटी देगी, वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे रही। प्लीज दिलवाएं, प्लीज दिलवाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, दिलवाएं। यानी आप कहेंगे कि आपकी तारें चोरी हो रही है, आपको किसी किस्म की पुलिस की या दिलवाएं नजर ही नहीं आ रही? दिलवाएं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। तो इसका हल क्या निकाला आपने? रिक्वेस्ट है आपसे, आप दिलवाएं ना फरासा, फिर इसका हल क्या निकाला आपने? आप मुझे जितना मैं सवाल करने की पोजीशन में सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नहीं तो फरासा फराज, मैं आपको सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं। मेरा बैठ के मीडिया ट्रायल ना किया जाए, बहुत बहुत खतरनाक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, किया जा रहा है, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। 60% शहर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मोहतबर इदारे के इलेक्ट्रिक के टर्न अराउंड पे रिसर्च कर रहे हैं, एप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा इदारा इस पे अगर रिसर्च कर रहा है, इस इदारे पे, इसके टर्न अराउंड पे 40% लॉसेस थे 2009 में, 40% से कम करके 24 कर दिए जी, कैसे कम कर लिए? बस नाहेल लोग हैं हम, तो आप तो यही कहते हैं। नहीं, आपको तो सुबह सुबह किसी किस्म की हेल्प ही नहीं कर रहा, सुबह ने कुछ भी नहीं किया सर, लॉसेस कम करने कैसे किया? ये सारी हमारी अपनी कारकर्दगी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सेगमेंटेशन की है, फीडर्स के ऊपर जाके काम किया है, ग्रिड के ऊपर जाके काम किया है, 13 नए ग्रिड स्टेशन लाए, 1001 मेगावाट सिस्टम के, अब 13 नए ग्रिड स्टेशन लाए हैं बहसियत के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव के, आपकी पूछ किसने करनी है? अगर जसपोस कहीं ना कहीं आप लोग फॉल कर रहे हैं, सूबे ने के वफाक ने, हमने किसी ना किसी को तो कहना है ना कि भाई इसकी जिम्मेदारी लो। ठीक है, वजीर आला साहब जब हमें बुलाते हैं जाते हैं, गवर्नर साहब जब हमें बुलाते हैं जाते हैं, जो मिनिस्टर साहिबान है जब मीटिंग कॉल करते हैं हम जाते हैं। कल यहाँ पे शाम में रात 10 बजे एक इजलास था जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे और अपने इलाके के तमाम डीसी के साथ वो आए हुए थे। बात सारी ये है सलमान, इतनी मेहनत हमारी आवाम या हमारी ये जो लेबर जिसको आप मुलाजमीन कहते हैं, जो इंटीएल्स पे होते हैं, ट्रक्स पे होते हैं, ये कर रहे हैं, अफसोस इस बात का होता है कि अगर कहीं एक जगह सिस्टम में कोई खराबी आ जाए ना, तो उसको हाईलाइट करके तमाम अच्छाइयों को मिटा दिया जाता है। 60% शहर आर्मी में क्लेम कर रहा हूँ और साबित भी कर सकता हूँ, 60% शहर के हमारे जो भी मामला है वो नेप्रा देखता है और नेप्रा को मिनिस्ट्री देखती है, विफाक यानी। बात सारी ये है कि कराची वो शहर है कि जहाँ पे जब लोग आते थे तो कहते थे कि जी कराची में तो बिजली जाती नहीं है, बिल्कुल बिजली आती नहीं है, बिल्कुल 60% कराची एग्जेम्प्टेड लोड शेडिंग से, 500 इंडस्ट्रियल जोन एग्जेम्प्टेड लोड शेडिंग से, कराची के इंडस्ट्रियल जोन पिछले 5 से 6 सालों में लोड शेडिंग नहीं होती, सेगमेंटेड लोड शेडिंग जब हमने स्टार्ट की थी 24% कराची को एग्जेम्प्ट किया था, आज 60% कराची को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। अफसोस इस चीज का है कि 98 से लेके 2008 तक
एक भी मेगावाट ग्रिड पे ऐड नहीं हुआ था 2008 तक, 10 साल 2009 से लेके आज तक 1000 से ज्यादा मेगावाट सिस्टम के अंदर है। कराची शहर की बिजली की कुल जरूरत कितने मेगावाट है और के इलेक्ट्रिक जिसने 60% एरिया आपने बताया कि एग्जेम्प्ट किया हुआ लोड शेडिंग से, उसकी जरूरत कितनी है, इसका जवाब दे दें। लास्ट वीक जो कराची की तारीख की बुलंद तरीन डिमांड आई थी वो थी 3100 मेगावाट, जब 2009 में हम इस सिस्टम में आए थे उस वक्त जो पीक डिमांड थी वो थी 2100 मेगावाट। तो अगर आप ये 5-6 साल का डिफरेंस देखें तकरीबन, तो इसके अंदर 1000 मेगावाट सिस्टम के अंदर डिमांड बढ़ गई है। हमें जो वफाक से मिलता है वो मैक्सिमम साइड पे जाके 650 मेगावाट मिलता है, उस 650 मेगावाट उसी रेट पे मिलता है जिस रेट पे मुल्क के दीगर सूबों को बिजली दी जाती है और उसकी बकायदगी से अदायगी भी की जाती है। यानी हमने वफाक के कोई पैसे नहीं देने? नहीं, वफाक के बिल्कुल देने, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देने, लेकिन वफाक ने टोटल हमारे शायद 99 अरब रुपये बहुत शुक्रिया अहमद फराज, बहुत शुक्रिया अहमद फराज। अहमद फराज तर्जमान के इलेक्ट्रिक, उन्होंने एक हमारे बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया कि के इलेक्ट्रिक कराची की आवाम के साथ बींग अ बॉडी सबसे पहले जवाब दे। वफाक को है नेपरा के थ्रू, ये सूबे की जिम्मेदारी नहीं है, वज़ीर आला हूँ या गवर्नर, वो इजलास में बुलाते ज़रूर हैं, मीटिंग ज़रूर होती है, मामलात को हल करने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन बहरहाल ये वफाक की जिम्मेदारी है। सो आबिद शेर अली साहब को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि जी हाँ, के इलेक्ट्रिक के तमाम मामलात वफाक की जिम्मेदारी है। आबिद शेर अली साहब आप ही उनके वज़ीर भी हैं। इस ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ असम्बली के इजलास के बाद आज एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रही है असम्बली के बाहर। इस वक्त शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस एहतजाज की आखिर वजह क्यों हुई। शर्जील मेमन साहब, पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी की नून लीग से गाय बगाहे गुफ्तगु भी होती रहती है, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ख़त भी लिखा, ये जानना चाहेंगे रियासत माँ के जैसी है, सिंध हुकूमत हस्पतालों की और स्पेशली किसी भी मुर्दा खाना ना होने की क्या वजूहत बता रही है? देखें, जो अफसोसनाक अमवात हुई हैं, एक तो गर्मी की वजह से हुई हैं और वफाक की वजारत पानी व बिजली और के इलेक्ट्रिक की संगीन ना अहली की वजह से मासूम लोगों की अमवातें हुई हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अफसोस की बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब और या वफाक की वजारत पानी व बिजली आज डिसओन करते हैं के इलेक्ट्रिक को, जबकि उनके अपने 3 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, 26% शेयर वफाकी हुकूमत का है, सिंध हुकूमत का एक भी नुमाइंदा ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ना ही 1% शेयर सिंध हुकूमत का है। तो ये ना अहली है वफाकी वज़रा की, ये ना अहली है उस वजारत की और वफाकी हुकूमत की। तो हम इसलिए आज एहतजाज कर रहे हैं कि जो बिजली का शेयर सिंध को मिलना चाहिए, हम तो सिर्फ शहरों की बात करते हैं लेकिन हमारे देहातों में कयामत सुगरा है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, गैर ऐलानिया लोड शेडिंग वहाँ की जाती है हेस्को की तरफ और उनके दीगर इदारों की तरफ से, और जो शेयर उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो बुलंद दावे कर रहे थे वफाकी हुकूमत के 6 महीने में आके हम लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे वरना हमारे नाम तब्दील कर दिए जाएं, अब वो अपने नाम खुद तजवीज़ कर लें। और आज मेम्बरान का एहतजाज इसीलिए था कि जो ना अहली वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक दिखा रही है उसके खिलाफ हम लोग आज आपका एहतजाज। जी मैम साहब, हमारी के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से भी बात हुई आज ही, ये जो वफाकी वजीर हैं पानी और बिजली उनके सवाल का जवाब भी हमें मिल गया कि के इलेक्ट्रिक खुद कह रही है कि हम जवाब दे वफाक को हैं नेपरा के थ्रू, ये बात आज क्लियर हो गई। सिर्फ ये बिजली का मामला नहीं, नो डाउट सूरज की तमाजत इतनी थी कि 800 से ज़्यादा अफराद दुनिया से चले गए, हस्पतालों में हम मौजूद थे आज सुबह से, जिना अस्पताल, सिबर अस्पताल, हुकूमती अमलदारी वहां नजर नहीं आई। आपने किसी सुबह, एक सेकंड, मेरा सवाल मुकम्मल सुन ले, कि आपने क्या किया? तमाम हॉस्पिटल्स में तमाम सहूलियात मौजूद थी, तमाम हॉस्पिटल्स में तमाम अद्वियात मौजूद थी, पानी मौजूद था, जो भी वहाँ के सिस्टम से सारे अप टू डेट थे। वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का काम करना का काम है कि उन चीज़ों करना, और उन डॉक्टर्स को हिदायतें भी थी और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे पेशेंट्स आए,
और जिनको अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों का इलाज हो सका उनको इलाज किया गया, लेकिन जिन लोगों को हीट स्ट्रोक इस हद तक हो चुका था जिनकी रिकवरी नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, या ज़्यादातर डेड बॉडीज हॉस्पिटल्स में आई हैं। हॉस्पिटल्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन थी। लेकिन लोगों को दफनाने का क्या करें, इस वक्त डेड बॉडीज की इतनी बड़ी तादाद है 30 से 40। एक सेकंड शर्जील साहब, इस वक्त लोगों का ये प्रॉब्लम है। टॉक शो नहीं चल रहा, ये टॉक शो ही चल रहा है, आपको मैं बताऊं ये टॉक शो ही चल रहा है। मेरी टॉक शो नहीं है कि जो भी फैसिलिटीज जहाँ पे मौजूद जरूरत पड़ी वहाँ पे हमने केएमसी को भी कहा, दूसरे इदारों को भी कहा, कब्रिस्तान में वो फैसिलिटी उनको लोगों को प्रोवाइड की जाए। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने तो के इलेक्ट्रिक को डिसओन कर दिया और आज के इलेक्ट्रिक खुद कह रही है कि हम तो जवाब जो फेडरल गवर्नमेंट को है, तो जब वो खुद आपस में जो तय नहीं कर पा रहे हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली थी और है। डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की सिंध के अंदर स्पेशली 1000 अफराद की हलाकत के बाद अस्पतालों में स्पेशली मुर्दा खानों में लोगों को कफनाने और दफनाने के लिए किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं, ये जाने के लिए उन्हीं से बात करते हैं। शैला रजा साहबा, हमने आज अस्पतालों का दौरा किया, हमने मुर्दा खानों का दौरा किया, एक तो वजह बन गई बिजली की लोड शेडिंग जिसकी जिम्मेदारी वफाक पे आज की इलेक्ट्रिक ने दे दी कि हम वफाक को ही जिम्मेदार हैं। सिंध हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है, रियासत माँ के जैसी है, आज अस्पतालों में माँ नज़र नहीं आई। देखें, हॉस्पिटल जो हैं उनको कहीं भी से ये शिकायत नहीं आई कि वहाँ से ग्लूकोज की बॉटल्स की कमी हुई हो, सिरिंज की कमी हुई हो, बिस्तर की कमी बड़ी होगी यकीनन, और लेकिन हॉस्पिटल का काम कफन प्रोवाइड करना नहीं है और कफन के लिए जगह भी प्रोवाइड करना हुकूमत का काम नहीं है, कब्रिस्तान है, लोग अपनी मर्ज़ी से कब्रिस्तान। रिलीफ तो हो सकती है ना, लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इनके लिए कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा और किया भी है कुछ लोगों ने और गवर्नमेंट भी करेगी, और यही किया जा सकता है कि जाहिर है कि इनको कोई कॉम्पनसेशन दिया जाए। चलिए सब, इसमें वक्त की थोड़ी सी शायद किल्लत महसूस की जा रही है क्योंकि जनाह अस्पताल के मुर्दा खाने में भी हम गए, ईदी के भी मुर्दा खाने में गए, लोग अब ये कह रहे हैं, लवाकिन ये कह रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार रुपया हमारे एक मुर्दे को दफनाने के लिए, हमें इमीडिएट वो इमदाद चाहिए। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि रमज़ान हो तो रमज़ान की महंगाई, मरने लगे लोग तो कफन महंगा हो जाए, तो ये तो एक अफसोस की बात है, लोगों को ख़ुद भी सोचना चाहिए, लेकिन ये है कि दुनिया में एनजीओज़ वगैरह इसीलिए होती हैं कि अपनी गवर्नमेंट के लिए नेचुरल डिज़ास्टर के वक्त निकल कर आएँ। जो वफाक की वजह से हमें नुकसान हुआ वो अलग है, लेकिन ये है कि इतने सारे रजिस्टर्ड एनजीओज़ वगैरह भी हैं, उनको भी आना चाहिए। वफाक से कोई डिमांड करेंगी आप? मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगी वो बेहिसी छोड़ दें। नाज़रीन, स्टूडियो में बैठकर हमें और हमारे तवज्जो से आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि कराची का असल दर्द क्या है। 1000 अफराद ने अपनी जान का नजराना दिया है ताकि हुक्मरान होश करें कि आखिर उनकी ज़रूरत क्या है। इसीलिए आज हमने सारा दिन सिंध के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर गुजारा, हस्पतालों का दौरा किया, मुर्दा खानों का दौरा किया, कि इलेक्ट्रिक के पास भी गए और आज सिंध असम्बली के ऐवानों के बाहर भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की कमी नज़र आई इन हुक्मरानों की जानिब से कि हाँ, थोड़ी एहसास की कमी है। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।